हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन गार्डनिंग चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम जो कंटेनर में सब्जी उगाए हैं और वह जो है सो तोड़ने लायक हो गया है। तो बाकला जो है सो अब ये भी तोड़ने लायक हो गया है। तो हम जो है सो कुछ तोड़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे और जो तोड़ने लायक है उसी को तोड़ेंगे। और मेरा जो है ये देख रहे हैं आप मटर, ये मटर देखिए, ये पूरा इसका दाना मोटा मोटा हो गया है और ये तोड़ने लायक हो गया है। अगर जब नहीं तोड़ूंगी तो ये पकने के लिए इस तरह ये हो जाएगा। अब गोभी देखिए मेरा, ये गोभी जो है सो हम इसको अब काटेंगे। तो गोभी को हम ऐसे काट लेंगे, देखते हैं अगर उखड़ने वाला होगा लेते हैं, आसानी से उखर जाता है। ये भी बहुत बड़ा हो गया है, तो ज़्यादा फलने लगा है, बहुत बहुत बड़ा हो गया। तो इस सबको अगर हम हटाते हैं तो मेरा जो है भिंडी का पौधा तैयार किए हैं। इसमें ककड़ी लगाएंगे, खीरा लगाएंगे, वो पौधा सब हम जो है सो तैयार करके रखे हैं। तो ये कंटेनर खाली होगा तो इस तरह। ये भी जो है सो देखिए बंदा फूल, बंदा गोभी, ये भी बहुत हल्का होता है। इसकी जड़ें जो होती है ना एकदम ऊपर में होती है, तो एकदम ये आसानी से उखड़ जाता है इस तरह। और ये भी फूल रहा है, इस सब है अभी, तो इस तरह। और इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। अगर आप समय पर हार्वेस्ट कर लेते हैं तो सब्ज़ी जो है उसका भी स्वाद अच्छा होता है। और ज़्यादा मोटा हो जाने पर जैसे लगता है पूरा ये कड़ा हो जाता है। तो इस तरह कुछ कुछ हो भी गया है, कुछ कुछ हो भी गया है। और ये जो एकदम हाई वेराइटीज़ का था जो बाज़ार से हम खरीद के मार्केट से लाते हैं, हाई क्वालिटी का रहता है। तो इस तरह बाकला सब भी है, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। कुछ टूटी हो गया, ये सब खाली होता है। तो देखिए अपना घर का जो सब्जी है वो उगाते हैं तो उसका कुछ बात ही कुछ और होती है। शुद्ध खाना, शुद्ध अपने से फर्टिलाइजर देना, उसको देख छोटा पौधा बीज से तैयार करते हुए देखना, उसका अनुभव ही कुछ अलग होता है। और हम जो है सो अपने पेड़ पौधे से जुड़े रहते हैं, प्रकृति से जुड़ा रहता है, हमारा जो वातावरण है वो भी पूरी तरह जो शुद्ध वातावरण रहता है। जैसे कि लगता है हम करेंगे तो क्या होगा, नहीं, सब सोचेगा कि हम भी करेंगे। और एक बात, हम ये कर रहे हैं तो जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी है वो भी, जैसे कि जो आसानी से पौधा लग जाता है, मिर्चा, टमाटर, धनिया पत्ता, ये सब वो लोग भी उगा रहे हैं। तो कुछ तो प्रभाव पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, पड़ता है। लेकिन जब हम खुद से तोड़ते हैं तो बहुत खुशी मिलती है और साथ में उसका स्वाद में भी इतना ये होता है जो क्या बताएं। जो करता है वो तो खुद समझता ही होगा। इसको थोड़ा हार्वेस्ट कर लेती हूँ, तो हार्वेस्ट करके इसे हम दो में लगाए हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। ये मेरा मिर्चा है, देखिए ये भी अब गुच्छा में खिल रहा है, फूल दे रहा है, कुछ खिला है, कुछ कलियां बन रही है। और हमको लगता है हम एक गलती कर रहे हैं, इसको ज़्यादा घना हो गया। खैर कोई बात नहीं, अगले बार आप जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी गलतियां, तो उस गलती को हम
गलती भी करते तो हम उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम जो लगाए थे टमाटर का बीज, तो बन भी, कुछ बीज हुआ तो उसको लगा दिए, कुछ छोड़ दिए तो ये छोटा में खिल रहा है इस तरह। और ये है मेरा, आप लोग जानते हैं इस पे पौधा क्या है, ये पौधा आप लोग बताइएगा मेरा ये क्या है। ऐसे तो हमको लग रहा है कि अलसी का पौधा है, जिसको तीसी हम लोग बोलते हैं इधर के भाषा में, बिहार में तीसी बोला जाता है इसको, और अलसी है। तो हम तो बता दिए, इसका फूल इतना प्यारा पर्पल है, हालांकि हमको कलर बहुत पसंद है, तो इसको मैं छोड़ दूँ कि देखें बच्चे लोग भी देखें कि अलसी का पौधा कैसे होता है। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं तो मेरे बच्चे भी बहुत सारे पौधे को नहीं जानते हैं, तो हम अपने गार्डनिंग के साथ उसको भी कुछ बहुत कुछ सीख देते हैं, उसको जानता है और वो कोशिश करता है बच्चा, कि अगर नहीं भी कोशिश करता है तो देख देख के वो समझ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे तो बोलेगा कि नहीं इस पौधा को तुम कभी देखे नहीं है, जबकि जैसे भिंडी हुआ, टमाटर हुआ, तो इस पौधा मिर्ची हुआ, वो लोग पौधा नहीं पहचान पाते हैं, बट उसका फल जो है सो पहचान लेता है। ये कीड़ा बहुत अटैक कर रहा है अभी, इसको नीम ऑयल देना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा लहसुन का पौधा है, जो कि मैं चटनी में ज़्यादा इसका यूज करती हूँ, तो एक दो पत्ता ज़रूर तोड़ते रहती हूँ इसका, कि स्वाद बहुत अच्छा होता है, इसी के लिए थोड़ा सा मैं उगा ली हूँ। और ये जो है सो देखिए गाजर है, कितना बड़ा हो गया है, और पता नहीं इसमें फल है कि भी नहीं, इस नीचे में देखिए कितना मोटा तो लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये जो बीज जैसे लग रहा है बीज बनेगा। और ये मेरा देखिए बंदा गोभी, तो देखिए ये जो है सब लगता है तोड़ने लायक हो गया, क्योंकि ऊपर ऊपर में इसका दाग सब हो रहा है, तो मैं जो है सो इसको इसी तरह उखाड़ लेती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा इसको आसानी से उखाड़ जाता है। इसके बाद में फिर मैं सब पत्ता को निकाल दूँगी इस तरह। इसके बाद में निकाल देंगे और जो खाली होते जाएगा उसमें मैं गर्मी का सब्जी सब लगाते जाऊंगी। ये भी थोड़ा सा इसको भी हटा लेती हूँ। एक पौधा देखिए कैसे है, एक ही में तीन निकला हुआ है, एक ही में ये तीन निकला, लेकिन इसमें फल ठीक से नहीं बन रहा, पता नहीं थोड़ा सा इधर जो है छाया एरिया है, ये दक्षिण की तरफ है तो थोड़ा धूप कम आता होगा, इसीलिए कि क्या तीन तरह का है इस तरह देख सकते ये है, तो बीच बीच में इस तरह ये फट गया है, ये भी उखाड़ने लायक हो गया है। इसको ये मेरा बीन है, बहुत हेल्दी हुआ है, हम तो समझे नहीं होगा, लेकिन देखिए इसमें फ्लावरिंग जो है देना शुरू है, बहुत हेल्दी है ये बीन। थोड़ा सा ये सब जो है सो पत्ता सब निकालना होगा, थोड़ा सट रहा है इसको, इधर जो है सो इस अभी तोड़ने लायक नहीं है। ये किचन में तो इसके बिना सब रेसिपी अधूरा ही रहता है, तो मेरा ये धनिया इसको मैं भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा इसका चटनी पीसते हैं, चटनी पीसते हैं तो मैं सिल्ला पर ही चटनी पीसती हूँ, क्योंकि उसका स्वाद अलग होता है, तो मैं मिक्सी में कभी नहीं पीसती हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा लोग हुआ तब अगर ज़्यादा बनाना होता है 10-15 आदमी के लिए, तब तो मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, लेकिन जब भी मैं पीसती हूँ तो सिल्ली सिल्लोटी लोढ़ी बोलते हैं इधर के भाषा में सिल्ला, तो हम दो में लगाए हुए हैं, एक ये है
और इसके बाद फिर मैं इसमें पूरा खाली है तो बीज जर्मिनेट कर दूँगी। और फिर ये जैसे कि हमको ये जो है सो मार्च तक चलेगा, तो अभी रोक देंगे तो एक महीने के बाद फिर इसमें हो जाएगा। तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि सालों भर मेरा ये धनिया अपने बगीचे में उगा इसी कंटेनर में। ये भी है, ये सीम के गाछ रोपे थे सेम, तो इस तरह इसमें भी एक दो रख दिए थे हो गया, तो इसमें भी छोड़ दिए। इसमें जो है सो 12 बजे धूप लगती है, 11:30-12 बजे के पूर्व की दिशा में है। और इसमें भी फिर फूल जो देना है सो शुरू हो गया है। इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दिए हैं, ये जो है सो बीज है, तो इसको थोड़ा सा अब लाही बहुत पकड़ लिया है, अब चल रहा है हवा जो चल रहा है बसंती हवा, तो उसमें पूरा लाही का प्रकोप जो है सो हो गया है। तो जो ही ये सब पक रहा है तो 8 से 10 दिन के बाद जो है से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कच्चे थोड़ा थोड़ा होगा तो मैं इसको हटा दूंगी इसमें जो है सो। तो मेरा अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें। और यह वीडियो जो हम बनाए हैं तो आप भी अपने छत पर अगर आपको शौक़ है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।